ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, कैप्रिकॉर्न कभी कभी इमोशनल कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक बीइंग फॉलिंग लाइक इन टू अ कार्मिक रिलेशनशिप, यू नो। और मे बी बार बार ऐसा होता है आपके साथ, बार बार ऐसा होता है दैट यू अट्रैक्ट अ रॉन्ग पर्सन, यू नो। या बिकॉज यू गेट सो इमोशनली अटैच, आप इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या यू कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा, यू नो। ऑल दो इस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ में से निकल रहे हैं, अपने आप को पूरी पूरी कोशिश है आपकी कि अब आप फिर किसी ट्रैप में ना फंसें। ऑन द अदर हैंड ऑफकोर्स, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ फायर साइन, ठीक है। और दूसरा ये है कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन के फीलिंग्स भी हैं बट ये टॉक्सिक भी है, कुछ है अराउंड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ वाटर साइन फायर साइन आई एम गेटिंग, तो इमोशनल फीलिंग्स हैं बट स्टिल देयर इज़ लाइक टॉक्सिक ये पर्सन हो सकता है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको यू नो लाइक मेकिंग फूल या ऐसा कुछ हो सकता है, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, दिस एंड दैट, वो चीज़ें आप वो ऐसा फील कर सकते हैं या ऐसा कर रहे हों, ठीक है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि एट टाइम्स लाइक कभी ये पर्सन लाइक दे यूज टू हैव फीलिंग्स फॉर यू बट सडनली कुछ था लाइक टॉक्सिक, दैट्स वाई आपने इस चीज़ को एंड कर दिया, या हो सकता है कि बरी कर दिया हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ इस पर्सन का अगर नेक्स्ट वेरी 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 स्लो नेक्स्ट मूव कोई नहीं है, वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अनश्योर है, अनडिसाइडेड है, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा, आप जो सोच रहे थे कि मैन्युपुलेशन है, दिस एंड दैट, जेलसी है, देयर इज़ यू नो, दैट्स वाई आप उस चीज़ को दूर रख रहे हैं अपने आप से, यू नो। लाइक अब आप उस स्टेट में हैं कि आपको कोई लाइक अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको और कोई पागल ना बनाए, फूल ना बनाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, सॉरी फॉर द लाइक वो, बट जो भी है व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट येस दैट इज़ द ट्रुथ कैप्रिकॉर्न के लिए, कि आप और ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यू आर इनटू योर पावर, यू आर इनटू योर जोन, ठीक है, तो उस चीज़ में आ चुके हैं। तो वी हैव दैट हाई प्रीस्टेस एनर्जी, और हाई प्रीस्टेस का मतलब यही है दैट इनर जो कहते हैं ना वॉइस, आप लाइक इनर अपनी गॉडेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। टावर मूवमेंट हो सकता है चल रहा हो सकता है आप लोग नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है बिल्कुल, ये चीज़ें हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं करियर की। कैप्रिकॉर्न, आपका करियर कैसा रहेगा आने वाले इस हफ्ते में? फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज इट सीम्स टू बी ब्राइट। आई थिंक देयर इज लाइक पुटिंग एफर्ट्स, मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं दैट यू आर वर्किंग ऑन, और हो सकता है कि देयर इज़ लाइक देयर इज़ अ फियर, मुझे ऐसा लगता है कुछ फियर है अराउंड मनी, या आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे मैनेज कि नहीं, या आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ओवर स्पेंड तो नहीं कर दिया, दिस एंड दैट, ठीक है, वो चीज़ें। बट देयर इज़ एक्सपेंशन, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, आई एम गेटिंग यू नो लाइक लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट यू हैव द फियर, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से देख, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं डाउन ना हो जाएं, बट अगर मैं यहाँ से देखें इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड ओनली, तो डर को छोड़ दीजिए, उधर मत देखिए, आगे की तरफ देखिए, मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न। डोंट लुक देयर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फियर, यू नो, स्टिल फेसिंग दैट फियर, फिर से उस तरफ देखना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, और दिस इज़ द यू नो, और जस्टिस मिलेगी आपको, न्याय मिलेगी। तो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? पार्टिसिपेट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस, यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन, ऑल यू कैन डू इज रिसेप्टिव, और सेलिब्रेट कीजिए जो लाइफ आपको देना चाहती है, जो लाइफ आपको सिखाना चाहती है, बस वो चीज़ कीजिए और उस तरह देखिए। डोंट ट्राई कि मतलब
डोंट ट्राई टू बी स्टबर्न एंड डोंट ट्राई टू बी यू नो कि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे, आप कर रहे हैं, नहीं नहीं, इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइक एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम अबव, चाहे वो लेसन के तौर पे हो, चाहे वो यू नो रिवॉर्ड के तौर पे हो, तो टेक इट इन अ फ्रेंडली एंड सेलिब्रेट लाइफ, आई थिंक वो चीज़ थोड़ी मिसिंग है. सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.